नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं का महाजुटान देखने को मिलेगा बेंगलोर में और मेहमान पहुंचने शुरू हो चुके हैं बेंगलोर में। देखिए, 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी शिरकत करने पहुंचे थे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, तमाम जितने बड़े नेता हैं वो पहुँचे थे। और अब बेंगलोर में भी बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से, जहां पर अहले सुबह महबूबा मुफ्ती पहुंची हैं, उसके बाद ममता बनर्जी पहुंची हैं, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पहुंची हैं। फिलहाल कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के ही हाथ में है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन सोनिया गांधी के पहुँचने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, जो वहाँ के सत्ता में काबिज हैं, मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं, वे सभी वहाँ पहुँचे थे। उनका स्वागत किया है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत किया है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसके शपथ ग्रहण समारोह में भी महागठबंधन की विपक्षी एकजुटता, जो महागठबंधन की एकजुटता है वो देखने को मिली थी। विपक्षी नेताओं का महाजुटान देखने को मिला था। और उसके बाद अब जब कल बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग होनी है, बैठक होनी है, बिहार से भी अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, ये सभी जो हैं उस बैठक में शिरकत करने के लिए पटना से रवाना हो चुके हैं। साथ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं, संजय झा बिहार सरकार के मंत्री वो भी मौजूद हैं। इन सभी की मौजूदगी में वहाँ पर मीटिंग होगी और बड़े बड़े नेता जो हैं पहुँचे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी पहुँच चुके हैं कर्नाटक, और तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और इसके बाद अब देखना ये है महागठबंधन की रणनीति क्या बनती है, क्या सच में नीतीश कुमार कल संयोजक बनाए जाते हैं, कन्वीनर बनाए जाते हैं इस महागठबंधन की, क्योंकि 24 की लड़ाई है और अब समय कम है, एक साल से भी कम का समय बाकी है। अगले साल चुनाव होने हैं मार्च और अप्रैल के महीने में, उससे पहले ये बड़ी बैठक, बड़ी रणनीति बन रही है। लेकिन कल ही एक तरफ जहां बेंगलोर में महागठबंधन नेताओं की बैठक होगी, वहीं दिल्ली में एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक होनी है। जानकारी ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलावा आ गया है। फिलहाल इस पर हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे, लेकिन कंफर्म सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलावा गया है। बिहार से चिराग पासवान की पार्टी उस एनडीए की बैठक में शामिल होगी। और बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि अगले साल जब चुनाव होना है, बीजेपी के रथ को रोकने के लिए 2024 में कैसे बीजेपी को हराया जाए, शिकस्त दिया जाए, इसके लिए जब महागठबंधन के तमाम नेता बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं, उसी दिन एनडीए के नेता भी दिल्ली में बैठक करेंगे। यानी कि बड़े बड़े नेताओं का जुटान होगा दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, लेकिन तमाम जितने गैर भाजपाई दलों के नेता हैं वो जब एक साथ आएंगे, क्या कुछ वो कहेंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लोग अलग अलग अपनी बातें रखेंगे, उस दौरान क्या कुछ बातें रखी जाएंगी, ये देखना होगा। लेकिन अब तो साफ होते जा रहा है कि आने वाले समय में लड़ाई काफ़ी कड़ी होनी है, टक्कर काफ़ी कड़ी होनी है। इस बात को बीजेपी भी मानती है, एनडीए भी मानती है, क्योंकि पटना में हुई महागठबंधन की बैठक, विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक के बाद ये दूसरा फेज है, ये दूसरा चरण है जब महागठबंधन की बैठक हो रही है। और इसमें बड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं, कैसी रणनीतियाँ होंगी, कि अगर सच में तमाम जितने गैर भाजपाई दलों के नेता है वो एक साथ आ गए, नीतीश कुमार, लालू यादव भी पहुँचने वाले हैं बेंगलुरु, उनका भी स्वागत किया जाएगा, तो उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं खेल बिगड़ जाएगा, टक्कर काफ़ी कड़ी होगी और इस खेल में काफ़ी रोमांच और बढ़ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।